आज बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त डेप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा अली एजाज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज उन्होंने तहसील दीपालपुर का विजिट किया। सर बताइएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे तहसील दीपालपुर में लगी पांचों जो कैटल मार्केट्स हैं उनका विजिट किया, कैसा पाया? और दूसरा, कल यानी कि ईद के रोज़ से लेकर अगले दो रोज़ तक, ईद के तीनों अयाम तक, आप अवामुल नास को क्या सर कहना चाहेंगे एलाइशों वगैरह को ठिकाने लगाने के हवाले से? सर जी, मैंने ये विज़िट किया है दीपालपुर, चूँकि हमारी एक बड़ी तहसील है और यहाँ पाँच मंडियाँ लगी हुई हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि यहाँ खुद विज़िट करूँ। और कुछ जगहों पे मुझे चीज़ें बेहतर लगें, कुछ जगहों पे मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैंने इनको बता दिए। और मैंने इनको ये भी बताया कि मैं ईद वाले दिन भी राउंड पे आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, मैंने इनसे प्लान ले लिया है, अब एग्जीक्यूट होना है ईद वाले दिन, और उसको फिर हम खुद देखेंगे कि कितना बेहतर एग्जीक्यूट हो रहा है और कहाँ कहाँ जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इंश्योर की जा रही है, और हम खुद इसको देखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह और ईद अच्छी गुजर जाए लोगों को। अच्छा सर, अमूमन ये देखने में जो आवाम है वो भी तावन नहीं करते इंतजामिया से, अलाइशें वगैरह जो है वो आम चौराहों पर फेंक दी जाती हैं, तो आवाम से आप क्या कहना जी? उसके हवाले से भी हमने इनको जो है वो जो इनको शॉपर हैं वो भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको जो है एक मुख्तस जो जगह हमने की हुई है उधर फेंकें, ताकि हमें कलेक्शन में भी आसानी हो और सफाई में भी आसानी हो। नहीं जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अली एजाज, उनका यह कहना है कि वो ईद के रोज़ भी जो है वो फील्ड में ही रहेंगे, और अवामुन नास से भी उनका यह कहना है कि इंतजामिया से जो है तावन किया जाए और किसी किस्म की जो गंदगी या तफुन जो है उसको ना फैलने दिया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों में ये कोशिश किया कि डोर टू डोर जो है वो शापर वगैरह पहुँचाए जाएँ, ताकि अलाशें वगैरह जो है वो उनमें डाल के जो है उनको तलब किया जा सके। जी